हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सविता और आप देख रहे हैं सविताज क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल। कुछ दिन पहले दोस्तों, ये 4-5 दिन से बहुत सारे नर्सरी मैंने विजिट किया है और फर्स्ट टाइम मैं मेरे हस्बैंड के साथ विजिट कर रही हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो फ्रेंड्स के साथ जाती थी, नहीं तो अकेले जाती थी ऐसे, लेकिन इस बार मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि मैं मेरी हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। कौन कौन सा प्लांट लाई हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहला प्लांट देखिए दोस्तों, इसका फ्लावर देखिए कैसे झुमका जैसा, इसीलिए इसका नाम झुमका प्लांट्स बोलते हैं। ये नर्सरी भैया ने मुझे बताया, मैंने तो देखा भी नहीं था, लेकिन ये मुझे बहुत रेयर प्लांट लगा, इसीलिए इसको मैंने लाया है। इसका रेट है 300 रुपीस। मुझे तो लगता है दोस्तों, ये प्लांट्स लैंड लोटस की फैमिली की है। देखते हैं आगे इसका कटिंग्स प्रोपागेशन कैसे होता है ये सब। एक प्लांट्स खरीद कर लाने से, उसका केयर खुद करने से ही उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। फिर ये देखिए, ये रोज प्लांट है, ये पूरा डीप पर्पल कलर और सेंटेड रोज है। ये लिया है 70 रुपीस। और ये बोगनविला देखिए, ये पूरा डार्क रानी पिंक है और ये टिश्यू कल्चर का प्लांट है। इसका रेट है 250। और ये हिबिस्कस प्लांट देखिए, ये हिबिस्कस, ये भी टिश्यू कल्चर है, ये 300 रुपीस। ये थोड़ा मुझे महंगा लगा, ऑरेंज कलर का छोटा छोटा। ये जितना आप इसको कटिंग करते रहोगे ये बूसी होके बढ़ेगा, अगर आप कटिंग्स नहीं करेंगे तो पूरा लंबा होगा। देखिए बड़ा सा लेमन प्लांट, ये साल भर ये फ्रूट देगा और ये भी 250। कितना बड़ा प्लांट्स देखिए। और इसको देखिए दोस्तों, ये जेड प्लांट है। एक तो ग्रीन कलर का सबके पास होता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर वेराइटी है। कितना छोटे से गमले में देखिए कितने सारे कटिंग्स लगाया गया है। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए इसको भी मैंने लिया है, ये 150 रुपीस। ये जब बड़ा हो जाएगा इसको हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है 150 में। ये मनी प्लांट भी देखिए, मेरे पास जो सब है सब वेरिगेटेड है, लेकिन ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट्स के सेक्शन में ये थोड़ा अलग दिख रहा था, इसीलिए इसको मैंने लिया है, ये 80 रुपीस। देखिए इसका पत्ते थोड़ा अलग है, देखते हैं इसको लगाने के बाद कैसा होगा, ये 80 रुपीस। और ये देखिए कोलियस, ये भी मेरे पास नहीं था कलेक्शन। आजकल दोस्तों मैंने बहुत सारा कोलियस कलेक्शन कर लिया है, बहुत सारे नर्सरी से अलग अलग कलर का बहुत सारे हो गया है, ये नहीं था। देखिए आगे आपको सब कोलियस, मैं जितना भी कोलियस कलेक्ट की हूँ कुछ दिनों में आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको कटिंग करके लगाने से ही अच्छा दिखेगा। ये लिया है 60 रुपीस। ये भी देखिए कितना ज्यादा लिया है, कटिंग से तो ये आराम से लग जाएगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी लेना पड़ता है कलेक्शन के लिए। और कुछ प्लांट्स मैंने स्ट्रीट नर्सरी से शॉपिंग किया है। ये देखिए गुड़हल, हिबिस्कस बोलते हैं, ये पूरा मेरून कलर का है, ये कितना सुंदर दिख रहा है देखिए, ये 150। और एक कलर दोस्तों दिखाऊंगी, ये वैरायटी इतना अच्छा लगा, नहीं लेके मैं नहीं रह सकती, इसीलिए इसको देखने के बाद पहले इसको खरीदी। 4-5 दिन हो गया इसका, देखिए फूल सूख गया है। ये भी पूरा डबल पेटल है, इसका स्टेम देखिए कितना मोटा मोटा और कितना हेल्दी पौधा है। ग्रीन पत्ते में रेड कलर इतना अट्रैक्टिव लग रहा था तो इसको मैंने खरीद लिया। ये लिया है 100 रुपीस। और एक ये हिबिस्कस मिनी वेराइटी, ये 50 रुपीस। ये मेरे पास पिंक कलर का था, ये पूरा डार्क रानी पिंक है, ये खिल रही थी लेकिन अभी नहीं खिला है बर्ड से, ये 50 रुपीस। और ये रोज देखिए
व्हाइट कलर का, ये लिया है 60 या 70 रुपीस ये। और एक ये रोज है व्हाइट कलर का, ये भी वो थोड़ा सा सिंगल पेटल है, ये थोड़ा सा पूरा फुल ब्लूम व्हाइट कलर का है, ये लिया है 100 रुपीस। कितना कलियां है देखिए, ये 100 रुपीस। और ये देखिए, इसको राखी बेल बोलते हैं और पैशन फ्लावर भी बोलते हैं, ये रेड कलर का है, ये 100 रुपीस। ये मेरे पास है एक, वो भी रेड कलर, लेकिन वो देसी वेराइटी। सरी भैया ने बोला कि ये हाइब्रिड वेराइटी है, इसीलिए इसका रेट ज्यादा है, लेकिन मैं गवर्नमेंट नर्सरी से यही पौधा 40 रुपीस में लाई थी पिछले साल, और ये 100 रुपीस। देखते हैं फूल कैसा होता है। और ये एक प्लांट्स है, इसका कटिंग्स आसानी से लग जाता है, मेरे पास था लेकिन खराब हो गया, इसीलिए इसको भी एक लाई हूँ। ये है 50 रुपीस। इसमें से बहुत सारे कटिंग्स तैयार हो जाएगा, हेज के रूप में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत सारे काम में ये प्लांट आता है डेकोरेशन में, इसीलिए इसको मैं लाई हूँ। और भी बहुत सारे प्लांट्स लाई हूँ, दिखाती हूँ आपको, कुछ सीजनल भी लाई हूँ, पॉट्स भी लाई हूँ, पॉट्स दिखा देती हूँ पहले। देखिए व्हाइट कलर का एक पॉट्स, मेरा जो एरिका पाम बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, इसको ट्रांसफर करने के लिए ये एक लाई हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है वो एरिका पाम और रूट बाउंड हो गया है पॉट्स में, इसके लिए ये लंबा सा पॉट लिया है। ये इसका रेट है 450। और ये तो हुक पॉट देखिए, ये 6। ये वर्टिकल गार्डन में बहुत काम आता है, मेरे थोड़ा कम हो गया था जो स्टार्टिंग में गार्डन में मैंने जो खिड़की के ऊपर वर्टिकल बनाई हूँ, उसके नीचे एक लाइन चाहिए था मुझे ऐसा वाला पॉट्स, इसीलिए इसको लाई हूँ। ये 40 रुपीस ईच, एक दर्जन लाई हूँ, ईच 50 रुपीस। हैंगिंग प्लांटर है ये, आधे में मैं लगा चुकी हूँ, जो प्लांट्स लाई थी वो लगा चुकी हूँ, दिखाऊंगी। ईच 50 रुपीस इसका जो हैंगर के साथ, अच्छा है ना। ऐसा नर्सरी पॉट एक दर्जन लाई थी, ये भी 30 या 20 रुपीस ऐसा ही होगा, याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे पॉट्स इस बार लाए हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा गार्डन में बहुत सारे पॉट्स टूट गया है, इसीलिए बहुत साल के बाद इतने सारे पॉट्स खरीदी हूँ। प्लास्टिक तो नहीं लूंगी सोच रही थी, लेकिन देखती हूँ मिट्टी का गमला भी बहुत भारी होता है, सीमेंट का भी बहुत भारी होता है, लेकिन पहले से जो मेरे पास प्लास्टिक पॉट है ये सब बहुत अच्छा चलता है और मैं उठा भी सकती हूँ अच्छे से, इसीलिए फिर से मुझे प्लास्टिक की पॉट ही लेना पड़ता है। बहुत अच्छा रहता है टेरेस गार्डन में, सिरामिक पॉट और सीमेंट पॉट, मिट्टी का पॉट भी बहुत भारी हो जाता है। ये देखिए इम्पेशेंस का 5-6 कलर लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत सेड में भी ये अच्छे से खिलता है, अभी भी टाइम है इसको लगाने की। ये भी 20 रुपीस है। बहुत सारा भिनका देखिए, ये भी बहुत सारे कलर्स में लाई हूँ, ईच 20 रुपीस। ये भिनका भी लाई हूँ, ये भी 20 रुपीस, 4-5 लाई हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर सब इम्पेशेंस का। और एक ये भी लाई हूँ, ऐसा वाला कहाँ खो गया था, तो ये रूट कटने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इस महीना मेरा बहुत सारे प्लांट्स रूट बाउंड हो गया है, इसको काटने के लिए, नीचे से रूट काटने के लिए ये अच्छा रहता है। ये भी 70 या 80 रुपीस। ये पिटूनिया देखिए दोस्तों, ये भी ईच 20 रुपीस। ये कुछ गुड अर्थ नर्सरी की है और एक दो ग्रीन अर्थ नर्सरी की है। ये मिनियचर जिनिया देखिए, ये भी ईच 20 रुपीस। ये है कोलियस, ये एक वैरायटी देखिए, ये 20 रुपीस, ये भी 20 रुपीस, ये भी 20 और ये भी 20। ये पुलका डॉट है, पहले ये सब मेरे पास था दोस्तों, अभी नहीं है, और देखा नर्सरी में अच्छा लगा तो उसे ले आई। ये कोलियस को देखिए, ये संबलपुर जब मैं गई थी उस टाइम मेरे एक फ्रेंड्स के पास से ये लाई हूँ,
ये एक वैरायटी, ये एक वैरायटी और ये एक वैरायटी देखिए। और ये मेरे फ्रेंड गिफ्ट किए हैं ये प्लांट, इसका नाम मुझे पता नहीं है। ये वेरिएटेड अजवाइन और ये देसी गुलाब का स्टेम। ये इम्पेशंस दोस्तों और सदाबहार, उसको भिनका भी बोलते हैं, इम्पेशंस और भिनका। बहुत सारे कलर्स, ये भी ईच 20 रुपीस। ये बड़ा वाला जिनिया है, ये गवर्नमेंट नर्सरी से लाई हूँ और इसका रेट है ईच 35 रुपीस। ये हाइब्रिड वैरायटी है, बड़ा बड़ा जिनिया इसमें खिलेगा। ये प्लांट्स देखिए दोस्तों, ये छोटा छोटा ब्लू कलर फ्लावर देखिए, इसका नाम मुझे नहीं पता है, आपको पता है तो ज़रूर बताना। ये ऐसे बंच में खिलता है, ये गवर्नमेंट नर्सरी में नया लगाए थे, नर्सरी भैया ऐसे बोले थे, उनको नाम पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं है, आप बताना दोस्तों इसका नाम क्या है। देखिए छोटा छोटा ब्लू कलर का, एक लगाने से ऐसे बंच होके ये खिलेगा। और ये तो टाइम अभी नहीं है, फिर भी लास्ट बचा था तो ऐसे ही भैया ने दे दिए, नर्सरी भैया, एलाइसम है। ये बड़ा सा पॉट है देखिए, इसको भी, इसमें भी मैं एरिका पाम शिफ्ट करूँगी। ये 14 इंच का है, ये लिया है 250 रुपीस। और ये देखिए, ये लोकल मेड है, सस्ते में ये मिलता है, ऐसा वाला एक दर्जन लाई हूँ, सब में प्लांट्स मैंने लगा लिया है दोस्तों। और ये देखिए, ये ऑर्किड लगाने के लिए ये 3 लाई हूँ, 2 मैं लगा चुकी हूँ, ये 150 रुपीस ईच। तो बस दोस्तों इतना ही है, अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें, बाय।